नमस्ते, वेलकम टू योगा कंडस। तो आज हम लोअर बॉडी और बेली फैट के लिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आसनस करेंगे। हमारा लोअर बॉडी जितना स्ट्रांग रहते हैं, नीचे का हिस्सा मतलब हमारा जो नाभि है उसके नीचे का हिस्सा जितना स्ट्रांग रहता है, हम उतना ज़्यादा दिन यंग और स्ट्रांग रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग कोई भी आसनस, में हर वीडियो में बोलती हूँ, वार्म अप करके ही अभ्यास करिए। तो चलिए थोड़ा सा हल्का वार्म अप हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस की तरफ जाए। पैर को खोलना है और हमारा जो टोज है उसको आगे पीछे, डीप इनहेल ही देखो के साथ अपोजिट। अभी हम दोनों पैर को खोल देंगे, दोनों पैर को दोनों साइड जितना आप खोल पाएंगे उतना ही खोल दीजिए, पूरा एकदम टाइट करके। ओके, इस तरह से बैठने के बाद फिर दोनों जो थाई है उसको पकड़ लीजिए, थाई को थोड़ा सा मोड़। अब पैर देख लीजिए, पैर अंदर की तरफ होगा, उंगली टाइट करके, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे उठा नहीं होना चाहिए, पूरा एक लाइन पे होना चाहिए। एंड देन मूव, इससे आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग हो जाएगा, आपका थाई, आपका बटक फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे एंड देन ड्रॉप, आगे जाएंगे जितना आगे जा सकते उतना है। अब इतना जा सकते हो यहाँ पे आके रोकिए, थोड़ा और आगे जा सकते हो थोड़ा और रोकिए, दोनों हाथ को अगर ऐसे रख सकते हो थोड़ा इस तरह से होल्ड करके 20 सेकेंड होल्ड करिए, काउंट करिए एंड देन अभी आप दोनों हाथ को इस तरह से खोल दीजिए एंड राइट हैंड ड्रॉप। ड्रॉप करने के बाद थोड़ा आगे जाना है, जितना आप आगे जा सकते हो। ओके, अब हाथ को ऐसे भी रख सकते हो कमर में, आगे जाना है फिर इस तरह से पकड़ लेना है। देन अप, अब इससे कंफर्टेबल हो तो इस तरह से रुकिए, अदरवाइज आप इस तरह से पकड़ सकते हो तो पकड़ लीजिए। एंड देन सेम ओपन ड्रॉप एंड पुश पुश पुश, बॉडी को पुश करें, कंटिन्यू एंड होल्ड अप, होल्ड एंड रिलैक्स। बटरफ्लाई कर लेंगे थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी है। बटरफ्लाई रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, रेगुलर बेसिस पे 100-200 कर लीजिए, बहुत कम समय लगते हैं, 1-1.5 मिनट में हो जाए। बटरफ्लाई का बहुत बहुत फायदा होता है, आपका लोअर बॉडी इतना हल्का रहता है, आपका जो थाई है, थाई का भी मोटा मोटा, किसी बहुत लेडीज का जेंट्स का देखा जाता है ना, मतलब लोअर बॉडी बहुत हेवी होता है, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। थोड़ा सा इस तरह से भी कर लीजिए एंड देन रिलैक्स। तो अभी हम खड़े हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, हाथ को पीछे सरप्रेस एंड मूव, कमर को हिलाना है, पूरा बॉडी को नहीं, ठीक है, अपोजिट, ये 15-15, 20-20 बार कर लीजिएगा।
नाउ इनहेल, दोनों पैर कंधे के बराबर, इनहेल, एक्सहेल, ड्रॉ एंड मूव, पूरा सामने पीछे साइड पूरा गोल गोल करके घुमा लीजिए, ये ऑपोजिट साइड भी करना है, नाउ रिलैक्स, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल टर्न टू राइट साइड, इनहेल एक्सहेल टर्न टू लेफ्ट साइड, कंटिन्यू रिलैक्स, सेम इनहेल एक्सहेल ड्रॉप योर हेड टू द राइट साइड, इनहेल एक्सहेल ड्रॉप योर हेड टू द लेफ्ट साइड, ऐसे 10-10 बार 20-20 बार कर लीजिए। कंधे के ऊपर शोल्डर, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, अपोजिट इनहेल अप एक्सहेल डाउन, हम लोग करेंगे लंजेस। तो क्या करना है, सामने आ जाना है मैट के सामने आना है, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाना है, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, अपने बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, टेढ़ा बेका नहीं, पूरा एक लाइन पर होना चाहिए, मेक अ स्क्वायर से हाथ कमर में एंड ड्रॉप, 1, 2, 3, 4, पूरा नीचे नहीं आ पा रहा है तो जितना आ सकते हैं उतना ही कोशिश करिए, अगर किसी को नीज में ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो एक्सरसाइज मत करिए, ठीक है, इस प्रैक्टिस से उसका नीज पेन ज्यादा बढ़ सकता है। 7, 8, 9, 10, नाउ देखो चेंज कर लीजिए, सेम Keep your body straight, हाथ ऐसे नहीं खुला पीछे, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay? हाथ पीछे रखना के कारण ये से है तो आपका चेस्ट खुलेगा, ठीक है, इन्हेलेशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा जाएगा और चेस्ट हो गया। अभी हमें लेट जाना है, अभी दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर थोड़ा सा गैप रहेगा, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, ऐसे कंटिन्यू आपको 20 टाइम्स करना है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पूरा ओवर की तरफ खींचिए एंड फिर 20 टाइम जैसे हो जाए 20 एंड देन होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ड्रॉ। इस तरह से आप 2 से 3 राउंड करिए, 3 से 3 राउंड करने से अच्छा है, बहुत अच्छा आपका पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट का जो फैट है बहुत तेजी से बर्न होता है और आपका थाई एंड बटन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, फॉर्म होता है ना। दोनों पैर को खोल दीजिए, थाई के नीचे हल्का सा पुश कर देना है, पूरा हाथ को नहीं घुसना है, हल्का सा, अब इसको पूरा राउंड राउंड करके घुमाना है, पूरा जितना बड़ा आप गोल करेंगे उतना अच्छा है, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घोड़ेंगे ऑपोजिट साइड, इस तरह से आपको 10-10, 10-15, 15-15, 20-20 करके धीरे धीरे बढ़ाना है, पहले 10 करिए फिर 15 करिए फिर 20 करिए, इस तरह से करना है, ऑपोजिट लेग भी कर लेंगे इस तरह से, सेम बड़ा बड़ा गोल, एकदम बड़ा बड़ा गोल करिए, जितना बड़ा गोल करेंगे उतना अच्छा होता है, ऑपोजिट साइड इसको भी करना है, इस तरह से कर लीजिए।
फिर दोनों लेग हो गए, आप दोनों एक साथ करना है, इस तरह से घुमाना है, अप डाउन, सेम ऑपोजिट भी करना है, एंड देन रिलैक्स। ये यहाँ पे मैं 3 बार 4 बार कर रही हूँ, लेकिन इतना कम से नहीं होगा, आप लोग कम से कम 10 बार कर लीजिए, और उससे ज्यादा कर लेंगे तो अच्छा है। तो इसका भी, और सबसे अच्छा है अगर एक साथ करेंगे तो थोड़ा ज्यादा करना होगा, तो आप इसको भी राउंड कर लीजिए, 3 राउंड में करिए, 10-10 बार करेंगे तो एकदम परफेक्ट होगा। अभी आपको क्या करना है, उत्थित पादासन, पैर को थोड़ा सा 45 डिग्री तक ऊपर लाना है, इस जगह पे आके आपको होल्ड करना है, काउंट करिए 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं 20 तक, या तक, या तो आप घड़ी देख के 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 1 मिनट तक होल्ड करिए, तो बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे करके 1-1 मिनट करके 2 बार रिपीट कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इनहेल करते हुए आपको पैर को ऊपर लाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, इनहेल करते हुए ऐसे 90 डिग्री तक लाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे, नीचे मैट में टच नहीं होगा, फिर से हमें ऊपर लाना है, अब एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इस तरह से आप 3 राउंड कर लीजिए, ठीक है, 10-10 करके 3 राउंड, बहुत इफेक्टिव है आपके पेट के लिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपका पैर हल्का लगेगा, थाई, आपका बटक, आपका पेट, पेट में तो जबरदस्त असर होता है। अभी दोनों पैर को ऊपर उठिए, 90 डिग्री ऐसे रखिए, एंड देन होल्ड, इस तरह से आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना देर तक, 5 मिनट तक कर पाए तो बहुत अच्छा है। इस तरह से अगर नॉर्मल नहीं रख पाएंगे तो आप वॉल के साथ भी कर सकते, पूरा वॉल में टच कर लीजिए, जैसे मैं एक बार दिखा दी थी आप लोगों को, ऐसे करके पूरा वॉल की तरफ चले गए, एंड देन इस तरह से होल्ड। अगर अब लोग मतलब बिना वॉल के ज्यादा देर तक नहीं रख पाते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब दोनों पैर को बेंड कर लीजिए, दोनों पैर एक साथ रहेगा, हाँ दोनों साइड पे से खुला रहेगा, इनहेल एंड एक्सहेल करके राइट साइड ड्रॉप, इनहेल एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, इसको कंटिन्यू करिए, इसको 50-50, 100-100 बार करिए, उससे भी ज्यादा करेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके कमर के लिए, कमर की हड्डी के लिए, आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ये बेली फैट पे भी काम होता है, लोअर बेली फैट के लिए बहुत 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 फायदेमंद है। इतना आप हल्का फील करेंगे, इतना आप रिलैक्स फील करेंगे करने के बाद, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे करने के बाद फिर जैसे आपको 100-100 बार हो गया, फिर आप दोनों पैर खोल दीजिए, खोलने के बाद फिर सेम एक्सहेल डाउन इनहेल अप, एक्सहेल, इस करने के टाइम आपका ध्यान रखिए आपका शोल्डर आपका ग्राउंड से फ्लोर से ऊपर न जाए, ठीक है, पूरा नीचे, पूरा साइड, पूरा एकदम टच करने की, फ्लोर टच करने की कोशिश करिएगा। इस तरह से भी 100-100 बार कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। देन दोनों पैर खोल दीजिए, फिर राइट लेग को ऊपर उठाइए, इसको ऑपोजिट साइड ले आइए, लेफ्ट साइड, फिर इनहेल ड्रॉप, लेफ्ट को ऊपर करना है, अब एक्सहेल ऑपोजिट साइड ले जाना है, इनहेल ड्रॉप, अब ऑपोजिट, अब ड्रॉप, अब ऑपोजिट, अप ड्रॉप, इस तरह से इसको भी 10-10, 20-20, 30 बार कर लीजिए। दोनों पैर को मैट के बराबर खोल देना है, दोनों हाथ साइड में, दोनों लेग को थोड़ा सा ऊपर उठा के अप टेंस रिलैक्स, टेंस रिलैक्स, बटक टेंस रिलैक्स, now शोल्डर टेंस रिलैक्स,
अंदर सर को ऐसे घुमाना है थोड़ा सा, राइट लेफ्ट कर लेना है, टेंस 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 टेंस, रिलैक्स एंड देन रिलैक्स, पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है 10 मिनट्स, पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है 10 मिनट्स, आपको रेगुलर शवासन करना मस्ट है आफ्टर आसना प्रैक्टिस, इससे आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। जितना आपके ऊपर स्ट्रेस, जैसे आसना प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेचिंग होता है, तो बॉडी पूरा पूरा रिकवर करेगा और एकदम बॉडी को शांत कर देगा, बॉडी माइंड पूरा शांत हो जाएगा, पूरा दिन एक्टिव रहोगे, माइंड शांत रहेगा, कभी भी एंग्जाइटी नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं होगा, एकदम शांत रहेगा। एंड देन लेफ्ट साइड को घूमना है इस तरह, लेफ्ट हैंड को पिलो की तरह यूज करना है और देन सीधे होके इस तरह से बैठ जाना है। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा प्राणायाम जरूर प्रैक्टिस करिए, पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्राणायाम, या तो आसना प्रैक्टिस के बाद भी आप लोग प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हो। प्राणायाम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।